औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक ओलंपिक खेल। आज यहाँ से पढ़ना है, दूसरी जंग अजीम में फिर ये खेल न हो सके, लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए, जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों की अपनी शान है। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हरूफी तहजीब के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। इस मौके पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सबकी नज़रें उन खिलाड़ियों पर पड़ती हैं जो ओलंपिक की मशाल लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है। ये मशाल सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती है। दूसरी जंग अजीम में फिर ये खेल न हो सके। जब दूसरी जंग अजीम हुई जंग हुई तो ये खेल न हो सके, लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुई। जंग ख़त्म होने के बाद 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले हुए, जिनमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें हिस्सा किन्हों ने लिया? मुख्तलिफ मुल्कों के 10,000, 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ी ने उसमें हिस्सा लिया। इन मुकाबलों की अपनी शान है, इन मुकाबलों की अपनी एक निराली शान होती है। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं। इन मुकाबलों में अपनी शान होती है। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी जो होते हैं वही आगे होते हैं। इसके बाद हरूफी तहजीब के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हरूफी तहजीब जो है ना, जिस तरह हरूफी तहजीब है तरतीबवार है, इसी तरह के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी इसके बाद होते हैं। मेज़बान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। मेज़बान मुल्क जो है, जो मेज़बानी करता है उस मुल्क के खिलाड़ी जो है वो दस्ता आखिर में होता है। इस मौके पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं। जब इस खेल शुरू होता है, ये मशक शुरू होती है तो बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और फिर सबकी नज़रें इन खिलाड़ियों पर पड़ती है जो ओलंपिक की मशाल लेकर स्टेडियम में दाखिल होते हैं। सबकी नज़रें उन्हीं खिलाड़ियों पर पड़ती हैं जो ओलंपिक की मशाल लेकर सबसे आगे स्टेडियम में चलते हैं। ये मशाल सबसे पहले ओलंपिया में सूरज की किरणों के से रोशन की जाती है। ये मशाल जो है ना, ये मशाल जो जलाते हैं सबसे पहले ओलंपिया में सूर्य की किरणों के साथ ही, सूर्य की किरणें जो रोशन हो जाती उसी के साथ ये शुरू हो जाता है। आज इतना, सुबह इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।